नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा साथ इंडिया बे दुबई प्लम्बर। साथियों चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को बजा कर रखिए। साथियों अभी हमारा नाइट ड्यूटी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे पीछे क्रेन लगा है और मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आप दिखाइए क्रेन को। ये जो सामने क्रेन दिख रहा है आज इसके बारे में बताऊँगा। बहुत से मेरे युवा साथी मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी कि सर क्रेन के बारे में बताइए कि वहाँ पे दुबई में क्रेन कैसे चलाया जाता है और क्रेन का कितना पैसा मिलता है। ठीक है, तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए साथियों, दुबई में जैसा क्रेन चलाते हैं इंडिया में भी सेम क्रेन होता है, बस इधर थोड़ा सा अंतर यही है कि उधर राइट साइड हैंडल होता है और इधर लेफ्ट साइड में होता है ये घुमाने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अगर क्रेन चलाना है तो इंडिया में या इंडिया का हो या नेपाल का हो या बांग्लादेश का या पाकिस्तान का, आप कहीं का भी हो, तो अपने मुल्क में आप उसको अच्छा तरीका से सीखिए चलाने का। क्योंकि यहाँ पे एक बार इंटरव्यू लेता है, जब आप यहाँ पे लाइसेंस लेने जाएंगे, यहाँ पे बिना लाइसेंस का गाड़ी नहीं चला सकते। कोई भी गाड़ी, छोटा गाड़ी हो या ये क्रेन जैसा हो, कोई भी गाड़ी आप नहीं चला सकते। तो फर्स्ट टाइम लाइसेंस लेना होता है और लाइसेंस लेने के लिए आपको पैसा भी चाहिए और प्लस में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसा गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, नहीं तो एक फेल होंगे तो कम से कम 200 दरहम आपको लॉस होता है। तो यहाँ से 200 दरहम यहाँ का तो इंडिया का कम से कम 4000 हो गया और दूसरे देश का पता नहीं है। ठीक है, तो आप अपने देश से क्रेन अच्छी तरीके से सीख कर आइए और यहाँ पे अगर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आपको विजिट वीज़ा लेकर के या आज़ाद वीज़ा निकाल करके आपको आना चाहिए, फिर आप काम ढूंढ सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। नहीं तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप किसी कंपनी में आ जाइए, लेबर में भी आ सकते हैं। लेबर में आ करके आप यहाँ पे पैसा इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके 8 नंबर, ये जो क्रेन चलाते हैं ना, ये क्रेन का 8 नंबर लाइसेंस होता है, आप 8 नंबर लाइसेंस ले सकते हैं। 8 नंबर लाइसेंस में सिर्फ क्रेन ही नहीं चलाना है, रंबल के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो सारा गाड़ी 8 नंबर लाइसेंस में आता है। अब रंबल बोले तो इधर तो रंबल बोलते हैं, इंडिया में मिट्टी भी बोलते हैं, जिधर खेत में काम करने वाला जो भी गाड़ी है वो पूरा 8 नंबर में आता है। तो इधर रंबल होता है, ये आपको एक्सवेटर हो गया, बॉबकेट हो गया, क्रेन हो गया, सावल हो गया, ये सारा जो गाड़ी है 8 नंबर लाइसेंस में आता है। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर लाइसेंस लेने के लिए कम से कम आपको 7000 से 8000 दरहम पैसा लगता है। इससे कमती तो मुझे नहीं लगता है कि लगा, क्योंकि मेरे रूम का दो बंदे मेरे सामने लाइसेंस लिए थे। ठीक है, तो उनका 8000 दरहम लगा। ठीक है, अगर आप नए होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, परंतु ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइसेंस है तो ठीक है, लाइसेंस नहीं है तो सब फर्स्ट टाइम लाइसेंस लीजिए, काम मिल जाएगा आपको। अभी बहुत से लोग मेरा को सवाल किए कि सर दुबई में क्रेन का कितना पैसा मिलता है, जैसे कि क्रेन चलाएँगे हम तो वहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा, इंडिया सैलरी कितना होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे आप आएंगे तो इंडिया से ज़्यादा तो सैलरी लाजिम मिलेगा। यहाँ पे क्रेन को अगर आप नया होंगे, क्रेन ऑपरेटर होंगे नया, तो कम से कम 3000 दरहम से स्टार्ट होता है। तो 3000 दरहम बोले तो इंडिया को आपको इंडिया का 60000 रुपया हो गया, 3000 से स्टार्ट है। जल्दी काम नहीं मिलता है क्रेन का, लेकिन जब मिलेगा तो आपका नसीब खुल जाएगा, मैं इतना समझता हूँ, देखा भी हूँ और पूछा भी हूँ। ठीक है, तो कम से कम 3000 दरहम से आपको स्टार्ट होता है, बेसिक हो है ना, 3000 दरहम से स्टार्ट होगा। उसके बाद 3000 से लेके 5000 दरहम तक क्रेन है, जो मेरे पीछे देख रहा है क्रेन का ऑपरेटर का सैलरी है 5000 दरहम तक है। बहुत से ऐसे ऑपरेटर हैं जो बहुत पुराने ऑपरेटर हैं जिनका सैलरी 5000 दरहम है। अभी देखिए 5000 दरहम मिलता है तो इंडिया का 1 लाख रुपया हो गया, अच्छा है ना। तो मेरा जो भी मैंने बताया है आपको, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा क्रेन को अच्छे तरीके से दिखा दीजिए। ये पूरा बूम है, देख सकते हैं आप, है ना। अभी तो काम चल रहा था लेकिन अभी ऑपरेटर चला गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्रेन है, अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा आपको उधर से सीख करके आना चाहिए। नहीं भी सीखेंगे तो चलेगा, मुश्किल नहीं है। इधर तो मैं भी गाड़ी चलाने का सीख लिया, इंडिया में मुझे पता नहीं था, यहाँ आया तो सीख लिया, मैं भी बस भी चला लेता है, दूसरा गाड़ी भी चला लेता है। ठीक है ना, तो मुश्किल नहीं है।
आप लोग आ सकते हैं इंडिया में, दुबई में आइए, आप लोग का स्वागत है, दिल से कमाइए, अपने परिवार के लिए सोचिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।